एवरीवन, वेलकम इन लर्न विथ यान। तो बेसिकली स्वागत है आपके चैनल पे। और आज हम बात करने जा रहे हैं बेसिकली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना की, इसकी कट ऑफ रैंक देखेंगे और इसकी रैंकिंग देखेंगे। ये बेसिकली इंडिया में कौन से नंबर पे आता है इंजीनियरिंग कॉलेज में, ठीक है, जो बहुत सारे रैंकिंग पैरामीटर्स हैं उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट थिंग इज ये जो पटना में है बेसिकली पटना के मतलब जो बिहार के स्टूडेंट्स हैं, बिहार स्टेट के स्टूडेंट, उनके लिए 50% रिजर्वेशन होता है, यानी 50% जो सीट होती हैं वो आरक्षित होती हैं वो बिहार के बच्चों के लिए, ठीक है। लेकिन ज़्यादा फायदा नहीं मिलता बिहार के बच्चों को, क्योंकि बिहार में भी कंपटीशन ज़्यादा है। तो बेसिकली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना सेम है जी, दोनों के लिए सेम ही होता है, बिहार या बाहर वालों के लिए भी सेम हो जाता है, क्योंकि बिहार में भी कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है और वहाँ के बच्चे काफ़ी ब्राइट हैं। इस हिसाब से वहाँ पर ज़्यादा कॉम्पिटिशन होती है और सबका कट ऑफ लगभग सेम आता है, ठीक है। तो हम बात करने वाले हैं इसी की, और इसकी रैंकिंग बता दूँ 2019 में इसकी रैंकिंग 134, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बेसिकली NIRF, जो कि हमारी गवर्नमेंट करवाती है, HRD मिनिस्ट्री करवाती है, वो बेसिकली इसका रैंक इस समय 134 बताया था, जो कि काफ़ी अच्छा है 2018 के मुकाबले। आप देख सकते हैं 2018 के मुकाबले 151 से 200 के बीच में था, अब आज जो है ये बेसिकली है 134 पे, ठीक है। अब बात करते हैं सीधे कट ऑफ की, कट ऑफ की हम सब देख लेंगे। और सबसे पहले 2018 का देखना है तो हमें सेवेंथ राउंड में चले जाते हैं और बेसिकली उसका कटअप देख लेते हैं। सबसे पहले मैं जनरल कटअप, फिर OBC और SC। मैं छोटा वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, इसलिए मैं थोड़ी जल्दी जल्दी कटअप दिखाने की कोशिश करूंगा, तो आप एडजस्ट करें उस चीज़ के साथ। पहले मैं जनरल निकाल लूँ, आई होप। मैं स्पेशल राउंड या स्पॉट राउंड की बात नहीं करना, क्योंकि स्पॉट राउंड इस साल होगा या नहीं होगा वो बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं करता, इसलिए मैं सेवन राउंड तक बात करूंगा, सेवन राउंड तक जो ऑफिशियल होता है। HS बेसिकली होम स्टेट बताता है, OS मतलब आउटसाइड स्टेट, यानी बिहार से हैं तो इसकी रैंकिंग देखनी है, और अगर बाहर से हैं तो आउटसाइड स्टेट की रैंकिंग देखनी है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जो बेसिकली है 14,000 पे बंद हो जाता है बाहर के बंदों के लिए, और बिहार के बच्चों के लिए 18,000 पे रैंक पे बंद हो जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करें अगर फिजिक्स सब जो सबसे ज़्यादा रैंक जाती है वो बाहर के लिए 38,000 जाती है, यानी 38,000 तक आपको वहाँ पे मैथमेटिक्स मिल जाएगा, ठीक है। और सबसे ज़्यादा उससे ज़्यादा भी है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री आपको 41,000 तक NIT पटना में आपको मिल जाएगी। अगर होम स्टेट से हैं तो 51,000 तक आपको केमिस्ट्री मिल सकती है, तो सबसे अच्छी बात ये है NIT पटना के लिए। नेक्स्ट थिंग इज हम OBC की बात कर लेते हैं। OBC की बात करूँ, आई थिंक ये वेबसाइट अच्छे से काम नहीं कर रहा, तो ठीक है। तो OBC में अगर देख सकते हो होम स्टेट के अगर OBC हैं तो उसके लिए कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग बेसिकली एक कैटेगरी रैंक है, OBC के अलग अलग कैटेगरी रैंक होती है, उस हिसाब से रैंकिंग बनी हुई है। तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जो बेसिकली 5,000 तक जाता है, और अगर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में आउटसाइड इसके लिए जाता हूँ तो भी 5,000 तक जाता है बेसिकली। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 6,736 तक जाती हैं, और बेसिकली वहाँ के लिए 6,643 दी जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बिहार के बंदे हैं वो इतने ज़्यादा टैलेंटेड मतलब बाहर के हिसाब से हैं, इसलिए क्योंकि देख सकते हैं आप उनकी उनके लिए 6,600 पे बंद हो गया, इनके लिए 6,700 पे, यानी बिहार में ज़्यादा कॉम्पिटिशन इंस्टीट्यूट ऑफ कि बाहर के लोग बिहार में एडमिशन ले, तो ये बात देख सकते हैं आप। ये हर जैसे बिहार, UP स्टेट या दिल्ली वगैरह इन सब के लिए कटअप ज़्यादा फर्क नहीं डालता। नेक्स्ट थिंग SC ST की बात कर लेते हैं। SC की मैं अगर बात करता हूँ तो SC आप देख सकते हैं कैटेगरी रैंक है, होम स्टेट के लिए बेसिकली बिहार के बच्चों के लिए है, और आउटसाइड स्टेट के लिए बाहर के बच्चों के लिए। होम स्टेट के लिए देख सकते हैं आप खुद से ज़्यादा रैंकिंग इनकी कटअप जा रही है 5,000 8,000 पे, और बेसिकली इनके लिए थोड़ी कम जा रही है, जो कि बेसिकली अलग अलग डिपेंड पे कर रहा है। कंप्यूटर साइंस यहाँ पे 3,106, इनके लिए कंप्यूटर साइंस 3,243, तो कंपेयर में ही है, दोनों चीज़ सेम है। और दूसरी तो बात अगर ST की करूँ तो आप उसकी रैंक आप देख सकते हैं राउंड सेवन में, ठीक है। आपकी सारी रैंक मैं दिखा रहा हूँ बेसिकली, तो बेसिकली आप देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस ST वालों को मिल जाता है 1,833 अगर आप बिहार से हैं तो। अगर एक बेसिकली ST की रैंक अपनी कैटेगरी रैंक है वो आपको रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग बेसिकली इनकी 1,563, ठीक है। तो ये बेसिकली कैटेगरी रैंक है और ये बाहर आउटसाइड स्टेट के लिए। अपनी रैंकिंग अपने हिसाब से देख सकते हैं, मैंने स्क्रीन पर लिख दिया है, सबको कहने की मुझे जरूरत नहीं है। आई होप कि इसको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपके कोई और दोस्त हैं जो इस बार JEE मेन दिया है उनके साथ ये शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस लाल वाले बटन को दबाइए और इस चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। धन्यवाद।